नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे दोस्त लोग चेक किए, बस बहुत से दोस्त लोग का जो है रिजल्ट में जो है नो चेंजिंग शो हो रहा है, बहुत का वेटिंग शो हो रहा है और कुछ भी दोस्त लोग का जो है चेंज बता रहा है। तो वो चेंज जिससे जिसका नंबर बढ़ा है वो किस तरह से दिखता है, इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहे और किस प्रकार से मार्कशीट को डाउनलोड करना है, डिविजन किस तरह से देखना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए लाइव शेयर करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, एक दोस्त लोग का है, उसका जो है कि हम आप सबके सामने लाइव शेयर कर रहे हैं। उसका जो भी है पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं खुद से भी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सब्जेक्ट कोड 118 121 है। जो हमारे दोस्त लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उनको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में चैलेंज करना चाहिए और नंबर बढ़ेगा कि नहीं। देख सकते हैं ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, और इन दोस्त लोग ने देखिए हमारा जो वीडियो है वो पूरे तरीके से देखा, तब इसको समझ में आया कि किसमें हम चैलेंज करना चाहेंगे। तो देखिए ये जो है केमिस्ट्री और मैथ में चैलेंज किया, जो कि यहाँ पे जो है पहले उसको 18 नंबर दिया गया था और 17 नंबर दिया गया था। देख लीजिए कितना खुशी की बात है, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद दोबारा कॉपी जांच हुआ तो उसको कितना मिला, 29 नंबर मिला। तो आप लोग ये पूरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि टोटली मिला के कितना हो गया, यहाँ पे 18 दो 20 दो नंबर ही हो गया 9 उधर से, तो यानी कि 10 11 नंबर जो है फर्स्ट यानी कि केमिस्ट्री में बढ़ गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले मैथ में, देख सकते हैं 38 नंबर है। अब यहाँ पे 17 3 20 10 30 यानी कि हो गया 13 ई और 8 उधर। ठीक है, तो टोटली जितना होता है वो टोटल कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कितना बढ़ा नंबर। आपको विश्वास हो गया कि नंबर जो है वो 100% बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं बढ़ता। और जैसे ही नंबर बढ़ता है तो नंबर बढ़ने के क्रम में देख सकते हैं क्या लिखा है, रिमार्क में चेंज लिखा है, मतलब इसका नंबर बढ़ गया। एक नंबर यानी कि मैथ का जो नंबर इसमें जुड़ा था, रिजल्ट आया मैथ का रिजल्ट आया था तो 21 तारीख को आया था। ठीक है, और इसका जो है केमिस्ट्री का नंबर जो आया यानी कि केमिस्ट्री में जो रिजल्ट आया केमिस्ट्री का, तो वो देखिए 22 तारीख को यानी कि आज आया। तो आप लोग चेक करते रहे, जिसका वेटिंग दिखा रहा है वो चेक करते रहे, जिसका नो चेंज दिखा रहा है तो समझ लीजिए उसका रिजल्ट आ गया है। अब दोबारा जो है उसको नंबर नहीं बढ़ने वाला है, उतना ही रहेगा। ठीक है, अब इन जो जिसका भी जो भी दोस्त लोग का परेशान है कि सर ये तो हम जो है नंबर को बढ़ा लिए लेकिन इसमें डिविजन कितना है ये कैसे पता चलेगा, या मार्कशीट हमें किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इसकी जानकारी शेयर की। बहुत सारे दोस्त लोग परेशान थे कमेंट कर करके, लेकिन वो भी हम जानकारी शेयर कर देते हैं। फिलहाल अभी हम शेयर कर दिए कि नंबर जो है वो कितना बढ़ता है, फूड कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले का है जो कि इंटर का रिजल्ट में जो दिया था वो ये है, और स्क्रूटनी यानी कि दोबारा कहाँ पे जांच हुआ तो कितना नंबर बढ़ा वो यहाँ पे देख सकते हैं, खुद से आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये जो दोस्त लोग हैं इन सभी का बहुत ज्यादा मतलब जिज्ञासा है कि सर इसका डिविजन कितना हुआ, मार्क्स मतलब कि मार्क्सिट किस तरह से देखें, उसकी जानकारी चलिए शेयर करते हैं। तो बने रहे, अगर अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब 100% बनता है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं यहाँ पे मार्कशीट डाउनलोड किस प्रकार से करना है वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना है, आपको टाइप करना है OFFICIAL ऑफिशियल वीडियस। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, देख सकते हैं इस तरह से हम ऑफिशियल वीडियस टाइप के गूगल सर्च कर लिए। ठीक है, इस तरह से आपके सामने फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। बता दें दोस्तों कि इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह से दोस्तों ओपन हो जाएगा। यहाँ पे करें कि आप स्टूडेंट हैं या नहीं, तो यहाँ पे है तो यस कर लें। चलिए हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। जैसे ही यस किए दोस्तों वो हट चुका है, अब नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे हम रिजल्ट को मार्कशीट जो है वो डाउनलोड करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने क्लोज ओपन का बटन आएगा, आपको ओपन बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों ओपन बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से लाइव ओपन हो जाएगा। देखिए जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं तो आप लोग पूरे तरीके से जब तक नहीं देखेगा तो आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर यहाँ पे जो है आपके सामने फेस करने को मिलेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पूरे तरीके से देखें, आपको ध्यानपूर्वक जब भी जानकारी आपको शेयर कर दे रहे। ठीक है, बने रहे। चलिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे खुद लाइव देख सकते हैं, खुद लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड स्क्रूटनी मार्कशीट यानी कि स्क्रूटनी मार्कशीट यानी कि जो डिवीजन आप देखना चाहते हैं उसका जो है लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, प्रतीक्षा करें, आपको जो है कि कभी भी ये लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस पर चेक करते रहें। बहुत सारे दोस्त लोग परेशान हैं डिवीजन देखने को, मार्कशीट डाउनलोड करने को। ठीक है, तो उसके लिए जो यहाँ पर लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, सिर्फ अभी रिजल्ट चेक
कर सकते हैं कि कितना कौन से सब्जेक्ट में बढ़ा है या नहीं, वो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। कैसे चेक करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मार्कशीट आप लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको इस पर चेक करते रहना है। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आप लोग खुद रोल नंबर रोल कोड के माध्यम से आप लोग अपना मार्कशीट को चेक कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। लाइक करने में कंजूसी ना करें दोस्तों, लाइक कर दें और बता दें इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग फटाफट विजिट करें और अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।